बंडई नदी में अनुचित जगह बांध बनाने को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुखिया ने कहा, जब तक पदाधिकारी आकर उचित कार्य नहीं करेंगे तब तक काम रहेगा बाधित। गौनाहा प्रखंड के मझरिया पंचायत के मझरिया गांव में बंडई नदी में बांध बांधने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। विदित हो कि मुरली भरा हुआ गाँव में बंडई नदी के किनारे राजकुमार शुक्ल व संत राउत की प्रतिमा स्थापित माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, जिसे बाढ़ से बचाने हेतु नदी में बांध बांधा जा रहा है। बांध मझरिया गांव के समीप बांध कर नदी के धार को मोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बांध लग जाने से बाढ़ का पानी बांध से टकरा कर गाँव में घुस जाएगा, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। विदित हो कि हर वर्ष उक्त नदी में बाढ़ आने से गांव में 2 से 3 फीट पानी भर जाता है। भूतपूर्व मुखिया प्रेम नारायण यादव व वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सोवा लाल महतो ने बताया कि बांध बंद जाने से अब नदी में आई बाढ़ का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि बांध पानी को रोक देगा तथा धीरे धीरे ही निकलेगा, लेकिन उक्त नदी पहाड़ी नदी है, जिसका वेग बहुत अधिक होने के कारण जब गाँव में 7 से 8 फीट पानी भर जाएगा। उन्होंने बताया कि दिन में ही इंजीनियर को बता दिया गया था कि आप आकर इस समस्या को दूर करें, लेकिन इंजीनियर साहब बहाना बना कर नहीं आए, इसीलिए सभी ग्रामीणों ने मौके पर हो रहे काम को रोककर पदाधिकारियों से गुहार लगाया है कि उन्हें उचित इंसाफ मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक इस समस्या का निवारण नहीं होगा तब तक बांध का काम रुका रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी इस समस्या को उठाया जाएगा। कि एस्टिमेट नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, एस्टिमेट नहीं है तो मुख्यमंत्री तो बोले हुए हैं कि बाढ़ के पहले जो है जहां भी क्षति होने वाला है उसको सुरक्षित किया जाए। तो ये लोग कह रहा है कि नहीं, एस्टिमेट नहीं है, पैसा नहीं है सरकार के पास, ये कोई बात नहीं ना हुआ। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि जब तक इसका निदान नहीं होता है, वर्तमान मुखिया हैं हम, भूतपूर्व मुखिया हैं, गाँव का लोग है जिनके घर में पानी घुसने वाला है वो लोग है, और इसका निदान नहीं निकलता है तो हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाएंगे सोमवार को, काम रोकेंगे।